किन्नौर में सरकारी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। आग लगने से सरकारी एम्बुलेंस जलकर हुई राख, सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। थाना नहरटौर क्षेत्र का मामला, बिजनौर में सरकारी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। आग लगने से सरकारी एम्बुलेंस जलकर हुई राख। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से खौफनाक तस्वीर आई सामने, ट्रेन के बाहर लटक कर सफर कर रहे यात्री, रेलवे और आरपीएफ ने साधी चुप्पी। बड़े हादसे का इंतजार कर रहा रेलवे और आरपीएफ। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से खौफनाक तस्वीर आई सामने, ट्रेन के बाहर लटक कर सफर कर रहे यात्री, रेलवे और आरपीएफ ने साधी चुप्पी। बड़े हादसे का इंतजार कर रहे रेलवे और आरपीएफ। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से ट्रेन के बाहर लटके हुए लोग नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन की खौफनाक तस्वीर ये सामने आई है, ट्रेन के बाहर लटक कर सफर कर रहे हैं यात्री। लखीमपुर खीरी में आशा बहुओं ने किया प्रदर्शन, 1 दिसंबर से विलोबी मैदान में चल रहा प्रदर्शन। आमरण अनशन पर बैठी आशा बहुएं, एक आशा बहू की हालत बिगड़ी। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज, लखीमपुर खीरी में आशा बहुओं ने किया प्रदर्शन, 1 दिसंबर से विलोबी मैदान में चल रहा प्रदर्शन। आमरण अनशन पर बैठी आशा बहुएं, एक आशा बहू की हालत बिगड़ी। रायबरेली में दबंगों को नहीं पुलिस का खौफ, जमीनी विवाद में दबंगों ने घर में लगाई आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, लालगंज कोतवाली के उतरावा गांव की घटना। रायबरेली में दबंगों को नहीं पुलिस का कोई खौफ, जमीनी विवाद में दबंगों ने घर में लगाई आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो।